प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य तक के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। और आपको बता दें कि पृथ्वी को दो बराबर भागों से बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है उसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, क्योंकि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ही सूर्य की किरणें लंबवत या फिर सीधी पड़ती हैं, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र का। और इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, कहने को तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल भी राकसताल से है जो कि तिब्बत में भारत से बाहर है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है उसके बाद आंसर देखना है और सही आंसर पर टिक करना है। नेक्स्ट है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से होकर के बहती है। और यह जनापाव पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, इसका उद्गम स्थल है, और यह भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, और कन्नौज यूपी का एक जिला है। नेक्स्ट है, जीवाश्म किस प्रकार के शैलों में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म परतदार अथवा अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। जीवाश्म से मतलब कोयला, पेट्रोलियम, यानी कि भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी हवा वर्ष में अपनी दिशा दो बार परिवर्तित करती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसूनी हवा वर्ष में दो बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण है, या फिर ज्वारभाटा की उत्पत्ति किसके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वारभाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र की लहरों का ऊपर की तरफ उठना ज्वार कहलाता है, और फिर नीचे गिरना भाटा कहलाता है, और ये दिन में दो बार आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, और ये नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और यह विंध्यांचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। ये नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नदी मुख बनाती है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता, जो अवसाद होता है वो डायरेक्ट समुद्र में मिल जाता है, इससे ज्वार नदी मुख का निर्माण होता है, ना कि डेल्टे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस जे कासिम।